आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों, कक्षा नौवीं संस्कृत विषय में इससे पूर्व तृतीय पाठ का गोदोहनम का दूसरा भाग हमने पढ़ लिया था, तीसरा भाग आधा पढ़ लिया था। आज हम तीसरा भाग का जो शेष, तीसरे दृश्य का जो शेष भाग बचा है उसका और चौथे दृश्य का अध्ययन करेंगे। तो चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मा शांते भविष्यति। ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा, भविष्यति यानी होगा। तत्र त्रिंशत् शेटकम् इतम् दुग्धम् अश्माभिः दातव्यम् अस्ति। तत्र यानी वहाँ पर त्रिंशत् शेटकम् इतम् यानी 30 लीटर दुग्धम यानी दूध अश्माभिः दातव्यम् अस्ति, हमारे द्वारा देना है। देखिए यहाँ पर एक त्रिंशत् शब्द आया है, त्रि के ऊपर बिंदी होती है और त के पीछे हलंत होगा तब यह शब्द होगा त्रिंशत्, तो इसका अर्थ निकलेगा 30 लीटर। अगर इस त्रिंशत् में यहाँ पर ऊपर बिंदी भी नहीं लगी हुई और न हलंत लगा हुआ है, त के ऊपर बिंदी होती है तब इसका अर्थ होता है 300 लीटर। तो यहाँ पर न तो त के ऊपर बिंदी आई हुई है और न ही त्रि के ऊपर बिंदी आई हुई है, इसलिए एक बार हम इसका अर्थ त्रिंशत् के हिसाब से ले रहे हैं, 30 लीटर के हिसाब से। तो तत्र त्रिंशत् शेकटम इतम दुग्धम अश्माभिः दातव्यम अस्ति, वहाँ पर 30 लीटर दूध अश्माभिः यानी हमारे द्वारा दातव्यम अस्ति यानी देना है, यानी हमें वहाँ पर 30 लीटर दूध देना है। मल्लिका बोली, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, परंतु हम इतनी मात्रा में जो दूध है वो कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन ने कहा, विचार है मल्लिके, हे मल्लिका विचार करो, सोचो। प्रतिदिन दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थाप प्रतिदिन प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति। प्रतिदिन दूध निकाल करके या दूध का दोहन करके दूध को यदि रखते हैं तो वह सुरक्षित नहीं रहता है। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन ही नहीं करेंगे अर्थात दूध नहीं दुहेंगे। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते अर्थात दूध का दोहन ही नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। उत्सव दिवसे या उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम धोक्ष्यावः, उत्सव के दिन ही समग्र दुग्धम यानी पूरा दूध धोक्ष्यावः यानी दूध दुह लेंगे। धोक्ष्यावः ये जो है इसमें लृट लकार का प्रयोग किया गया है, भविष्यत काल का यह शब्द रूप है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो धोक्ष्यावः यानी दुह लेंगे। मल्लिका बोली, स्वामिना त्वम तु चतुर्तमः, हे स्वामी तुम तो बहुत चतुर, अत्युत्तमः विचारः, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्यः सेवामेव करिष्यावः। अधुना यानी अब दुग्ध दोहनम विहाय यानी दूध दूना छोड़ करके और हम दोनों केवल नंदिन्यः सेवामेव करिष्यावः, अब हम दोनों केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम माशांते प्राप्स्यावः, इससे अधिक से अधिक मात्रा में हम दूध प्राप्त कर सकेंगे। माशांते यानी महीने के अंत में, तो महीने के अंत में हम जिससे महीने के अंत में हम अधिक से अधिक दूध प्राप्त कर सकेंगे। द्वाव एव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः, वे दोनों ही गाय की सेवा में निरतौ यानी लग गए, निरतौ भवतः यानी लग गए, वे दोनों ही गाय की सेवा में लग गए। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुडादिकम च भोजयत, और इसी क्रम में उन्होंने गाय को घास और गुड़ आदि परोसना शुरू किया, यानी गाय को घास और गुड़ आदि भोजन करवाना प्रारंभ किया, आदि खिलाना प्रारंभ किया। कदाचित विषाणयः तैलम लेपयतः तिलकम धारयतः रात्रौ नराजनानपि तोषयतः, कदाचित यानी कभी कभी विषाणयोः तेलम लेपयत, कभी कभी शिंगों को तेल लगाते हैं यानी शिंगों पर तेल लगाते हैं, कभी उसके गाय के तिलक लगाते हैं, तो रात्रौ नराजनानपि तोषयतः, और कभी कभी
रात को निराजनन अपि, यानी कि जो दीपक होता है दीपक आदि प्रज्वलित करके, दीपक जला करके भी उसको तोषयतः यानी प्रसन्न करते हैं। चंदन बोला, मल्लिके आगच्छ, हे मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलाव, कुमार की ओर चलते हैं यानी कुमार के घर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दूध के लिए पात्र यानी बर्तन का प्रबंध भी करना है या करना चाहिए। द्वाव एव निर्गतौ, वे दोनों निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, और चौथा दृश्य शुरू हो जाता है। कुंभकारः, कुंभकार यानी कुम्हार बोला, कुम्हार घट रचनायाम लीनः गायते, घड़े का निर्माण करते हुए गीत गाता है। घट रचनायाम लीनः गायते यानी घड़ा बनाने में लीन हुआ, तल्लीन हुआ, अपने कार्य में लीन हुआ। गायते यानी गाता है, क्या गाता है देखिए, ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु हो रचयामि घटानाहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथेश मृत्तिका घटः। यह जान करके भी, ज्ञात्वा अपि यानी जान करके भी, जीविका हेतु हो अपनी आजीविका चलाने के लिए मैं घटान अहम, पीछे आया हुआ शब्द घटान अहम, इसके दो टुकड़े करेंगे, जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा घटान धन अहम, न हलंत हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनता है घटान यानी घड़ों का, मैं घड़ों का रचया, घड़ों को करता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, तो मैं घड़ों को रचता हूँ यानी घड़ों का निर्माण करता हूँ। यह जान करके भी मैं घड़ों का निर्माण करता हूँ, क्या जान करके, नीचे वाली पंक्ति में लिखा हुआ है कि जीवन भंगुर सर्वम यथेश मृत्तिका घटः, कि जिस प्रकार से ये मिट्टी का जो घड़ा है वह क्षण भंगुर है, अर्थात कुछ समय बाद में नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब मिट्टी का घड़ा है तो एक दिन निश्चित रूप से यह फूट जाएगा, टूट जाएगा, तो यह एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी आजीविका चलाने के लिए घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार से मिट्टी का जो बर्तन है, मिट्टी के जो ये घड़े हैं, यह क्षण भंगुर है, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी क्या है, क्षण भंगुर है, हमारा जीवन भी नष्ट होने वाला है, एक दिन हमारा जीवन भी नष्ट होने वाला है। यह जान करके भी मैं अपनी आजीविका चलाने के लिए घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ, ऐसा गीत गाते हुए वह घड़े बनाता है। चंदन ने जाकर के कहा, नमस्कारोमि तातः, हे तात, हे ताऊ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, और 15 घड़े लेना चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश, जो घड़े निर्माण कर रहा है वो कुमार बोला, कथम न, देवेश उसका नाम है, कथम न, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, एते यानी ये, विक्रयणाय यानी बेचने के लिए, एव यानी ही, यह ये बेचने के लिए ही तो है, ग्रहण घटान, घड़ों को ग्रहण करो अर्थात घड़े ले लो। पंचशतोत्तर रूप्यकाणि, और पंचशतोत्तर यानी 500 रूप्यकाणि च देहि, रुपये दे दो, और क्या करो, 500 रुपये दे दो। चंदन बोला, साधु ठीक है, पर मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुं शक्यते, परंतु मूल्य तो दूध बेचने के बाद में ही दे सकता हूँ। देवेश, क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करें पुत्र, मूल्य बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मैं मूल्य के बिना तो, रुपए के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका, स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपना आभूषण प्रदान करना चाहती है, अपना आभूषण देना चाहती है, और कहती है, तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहण एतत् आभूषणम, यदि अधुनेव यानी अभी मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी मूल्य चाहिए, अभी मूल्य आवश्यक है, तर्हि ग्रहण एतद् आभूषणान, तो ये गहने मेरे, जो ये गहने इनको आप रख लीजिए, ग्रहण यानी रख लीजिए, ग्रहण कीजिए। देवेश बोला, पुत्रिके न अहम पाप कर्मम करोमि, हे बेटी, मैं यह पाप कर्म नहीं करता हूँ,
या मैं यह पाप कर्म नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे गहने नहीं लूंगा। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहना कर्तुम, मैं किसी भी प्रकार से यह नहीं चाहता। कथमपि न इच्छामि, मैं कैसे भी यह नहीं चाहता कि त्वाम आभूषण विहना कर्तुम, मैं तुम्हें गहनों से विहीन करूं, मैं ऐसा नहीं चाहता। किसी भी प्रकार से मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि तुम गहनों से विहीन हो जाओ, मैं तुम्हारे गहने ले, ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं तुमको आभूषण से विहीन नहीं करना चाहता। नया तू यथा अभिलिषितान घटान, जो तुम्हें चाहिए यथा अभिलिष्टान यानी तुम्हारी इच्छा के अनुसार घटान नये तो यानी घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रिय घट मूल्यम ददातु, और दूध बेच करके ही, दुग्धम विक्रिय यानी दूध बेच करके ही घट मूल्यम ददातु, घड़ों का मूल्य दे दो। उभौ वेदोन्न बोले, धन्योशी तात, धन्योशी, हे तात, हे ताऊ, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं।